Hello friends, hope you all are fine and doing well. Stay home, stay safe. In last class, we discussed about the psychosis. What is psychosis? What is schizophrenia? And the antipsychotic drugs, treatment of psychosis. Today, we'll discuss about the anxiety. You know, anxiety, what are different types of anxiety disorders? What are the different drugs which are used in treatment of anxiety disorders? That is known as the anxiolytics or anti-anxiety drugs. Anxiety ek type ka dar, khauf, फियर वरी है ना टेंशन देखो सोच इंसान परेशान होता है सोच में रहता है दैट इज नोन एज द एंजाइटी सो व्हाट इज एंजाइटी एंजाइटी इज अ डिफ्यूज हाईली अनप्लीजेंट ऑफन वैक्यू फीलिंग ऑफ एप्रिहेंशन अकंपनीड बाय वन और मोर बॉडीली सेंसेशन यानी जो बॉडी से रिलेटेड सेंसेशन है जैसे कि पाल्पिटेशंस परस्पायरेशंस हेडेक है ना पाल्पिटेशन हार्ट रेट डिस्टर्बेंस हो जाएगा जब घबराहट होती है या फिर किसी चीज का वरी होता है टेंशन होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है ना पाल्पिटेशंस होते हैं परस्पायरेशन पसीना ज्यादा बहता है ना हाइपरहाइड्रोसिस और हेडेक सर में दर्द होता है सो एंजाइटी क्या है एप्रीहेंशन वैक्यू फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन वैक्यू मींस अस्पष्ट क्लियर नहीं है नॉट क्लियर अनप्लीजेंट डिसएग्रीएबल है ना जो अच्छा नहीं लगता सो अनप्लीजेंट वैक्यू फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन किसी चीज का डर खौफ है ना इट इज नॉट एज दी एंजाइटी कई बार हमने आपसे मैंने कहा है कि जब आप परफॉर्म करना चाहते हो उसे कहते हैं सोशल एंजाइटी किसी चीज का परफॉर्मेंस करना है सेमिनार देना है कुछ प्रेजेंटेशन है एग्जाम है उस टाइम में जो आपको घबराहट होती है दैट इज नॉट नथिंग बट द एंजाइटी और ऑलवेज आई एम टेलिंग यू प्लीज डोंट फॉल प्रे ऑफ एंजाइटी बिकॉज एंजाइटी रिड्यूसेस योर परफॉर्मेंस बाय हाफ जैसा परफॉर्म करने वाले हो जितना आपका 100% देने वाले हो लेकिन एंजाइटी की वजह से आप वो पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है तो फिलोसोफर ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लिटरेचर एंजाइटी के बारे में लिखे हैं प्रॉपर डेफिनेशन फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन कॉज्ड बाय एंटीसिपेशन ऑफ डेंजर है ना एंटीसिपेशन एप्रीहेंशन के एंटीसिपेशन ऑफ डेंजर विच मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल यानी क्या होने वाला है पता नहीं अब क्या होगा है ना ये एंटीसिपेट कर रहा है यानी होने के पहले इंसान कभी कभार ज्यादा नेगेटिव सोचने वाले लोग है ना ज्यादा है तो एंटीसिपेशन ऑफ डेंजर के प्रे हो जाते हैं एंजाइटी इज एन इमोशनल स्टेट कॉमनली कॉज्ड बाय द परसेप्शन ऑफ रियल और परस्यूड डेंजर परसेप्शन पहले सोच रहा है ना परसेप्शन ऑफ रियल और परस्यूड डेंजर दैट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इट अलाउज अ पर्सन टू प्रिपेयर फॉर और रिएक्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एक तो इंसान को बंदे को रेडी करेगा ये कैसे रिएक्ट करना है ना दिस इज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स एंड इज ट्रांजिएंट इन नेचर ये अडेप्टिव रिस्पॉन्स है नॉर्मल इट इज एन नॉर्मल इमोशन अंडर सर्कमस्टेंसेस to treat and is thought to be the part of the evolutionary fight or flight reaction of survival. Anxiety can produce uncomfortable and potentially debilitating psychological and physiological arousal. जैसे tachycardia है ना heart rate बढ़ जाता है shortness of breath. If it becomes excessive अगर ज़्यादा anxiety बढ़ जाती है ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है ना worry feeling of threat तो क्या होता है heart rate बढ़ जाता है पसीना बहना शुरू हो जाता है. Some individual experiences persistent severe anxiety symptoms. And possesses irrational fear that significantly impair normal daily functioning. यार इतना टेंशन है इतनी घबराहट इतना वरी है कि दिन बाय दिन ये बढ़ता जा रहा है ना और महीनों तक ये चल रही है एंजाइटी तो फिर डिसऑर्डर बन जाती है एक तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है ना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एंजाइटी हो रही था अलग बात है लेकिन ज्यादा दिनों तक चल रहा है तो एक पैथोलॉजिकल एंजाइटी बन जाती है ना टाइप्स ऑफ एंजाइटी एक तो नॉर्मल एंजाइटी है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एंड हेल्प द इंडिविजुअल इन कोपिंग विद द स्ट्रेस जो अब फॉर एग्जाम्पल आपको सेमिनार देना है या कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो एंजाइटी रहेंगी थोड़ी घबराहट रहेंगी लेकिन वो घबराहट आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए आपको उसके लिए प्रिपेयर करना और उसके लिए मेहनत करना है ना बेटर एडेप्टिव स्किल प्लानिंग अहेड बेटर परफॉर्मेंस ये तो नॉर्मल एंजाइटी होगी लेकिन पैथोलॉजिकल एंजाइटी इंटेंस इंटरनल अनकंफर्टेबल फीलिंग स्टेट लीड्स टू माल एडेप्टिव बिहेवियर थॉट एंड कॉग्निशंस एंड पुअर परफॉर्मेंस है ना तो नॉर्मल एंजाइटी को आप पैथोलॉजिकल एंजाइटी बनने मत दो है ना अगर पैथोलॉजिकल बन गया तो फिर आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा कम हो जाएगा सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी दोज आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी सेंसिटिविटी ऑफ नॉइज है ना आवाज से बर्दाश्त नहीं होगी ड्राई माउथ डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग है ना जब घबराहट होती है बार बार प्यास लगती है मुंह सूख जाता है पाल्पिटेशंस रेस्टलेसनेस बेचैनी है ना ट्रीमर कभी कभार कपकपी आती है ना परफॉर्मेंस करने जा रहा है तो बेचैनी हो रही है कपकपी आ रही है ट्रीमर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट है ना डायरिया टाइप फीलिंग होती है अगर घबराहट परफॉर्म करने जाना है सोशल परफॉर्मेंस है तो हेडेक इंसोमनिया कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट है ना ऐसा लगता है छाती दबरी है ना पुअर कॉन्सेंट्रेशन और
उस चीज के ऊपर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता. सो द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर आर जनरली कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, टेंशन, फटीग, इनडाइजेशन, पाल्पिटेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, हाइपर हाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव परस्पिरेशन, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, स्पास्म ऑफ बैक मसल गिविंग राइज टू द वेक्यू बॉडी एक एंड इंसोमनिया यानी नींद भी नहीं आएंगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएंगी और बॉडी एक होगा, पता नहीं चलेगा बॉडी क्यों दुख रही है, क्यों तकलीफ हो रही है. एंड सफर फ्रॉम द बॉवल डिस्टर्बेंसेस यानी डायरिया हो सकता है. एंड फोबिया सच एज फियर ऑफ डाइंग, इनसैनिटी एंड हार्ट डिजीज, ये सब हो सकते हैं सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. नाउ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइटी, ये क्यों होता है. मैंने आपसे कहा था कि जितनी हमारे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें अक्सर जो डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे तो जेनेटिक है और उसका रीजन पता नहीं होता, लेकिन अक्सर जो है तो न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्बेंस की वजह से. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है उसको अच्छे से मेमोराइज करो, है ना. सो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंसेस. सो वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूरो बायोलॉजी ऑफ एंजाइटी, इन ब्रेन के कौन से पार्ट्स जो है, कौन से रीजन से इन्वॉल्व है. सो ऑल एंजाइटी डिसऑर्डर हैव अ टू कंपोनेंट्स, फियर एंड वरी. सो टू अंडरस्टैंड द न्यूरो बायोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर we need to understand the both. So fear is the panic phobia, worry is the anxious misery apprehension exception and obsession. So the neural circuits, how you can correct it to the neural circuit. So regulated by the amygdala, you know, your fear symptoms, anxiety symptoms are regulated by the amygdala centered circuit. Worry on the other hand is regulated by a corticostereothalamocortical loop. यानी आपके कॉर्टेक्स से लेकर जो आपके स्टेडियम से लेकर और थैलेमस, ये तीनों के तीनों चारों रीजन का ब्रेन के ये लूप इसको कंट्रोल करता है. सो दिस सर्किट्स मे बी इन्वॉल्व इन ऑल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, लेकिन कई बार ये नहीं होते. सो सी हियर दिस आर द हाउ दस लूप इज इन्वॉल्व. सी हियर कॉर्टेक्स अमिग्डाला थैलेमस, फीलिंग ऑफ फियर एंड इज आर रेगुलेटेड बाय द रेसिप्रोकल कनेक्शन बिटवीन द अमिग्डाला एंड द एंटीरियर सिंगुएट सिंगुलेट कॉर्टेक्स ACC एंड द अमिग्डाला एंड ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स. ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिग्डाला, देखो ये पर ये रीजन जो है ये कन्वर्ट करता है. तो स्पेसिफिकली इट मे बी दैट ओवर एक्टिवेशन ऑफ दिस सर्किट प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ फियर. अगर ये सर्किट का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है इट कॉजेज द फीलिंग ऑफ फियर. देखो आपके ऊपर कोई जानवर हमला करे तो व्हाट विल यू डू, फाइट फ्लाइट और फ्रीज, जगह पर रुक जाओगे, है ना. अवॉइडेंस, फ्लाइट फाइट और फ्रीज मोटर रिस्पॉन्स, ये क्यों होता है. देखो यहाँ पर ये सर्किट से अमिग्डाला, है ना. सो सर्च पैटर्न अवॉइडेंस एक्सेट्रा रेगुलेट बाय द रेसिप्रोकल कनेक्शन बिटवीन द अमिग्डाला एंड द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, है ना. अवॉइडेंस इन द सेंस ऑफ मोटर रिस्पॉन्स, सी फाइट फ्लाइट और फ्रीज, अदर मोटर रिस्पॉन्सेस आर ऑल्सो देयर. सो दिस इज द सर्किट विच इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी. सर हाइपर वेंटिलेशन भी होता है ना, सांस लेने तक शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ और अस्थमा के जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. सो ऑटोनॉमिक आउटपुट ये हो सकता है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियक इस्केमिया, ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्केयर डेथ, दैट आर द सर्किट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक आउटपुट, फियर, स्ट्रोक, एंडोक्राइन आउटपुट. सो डाटा फ्रॉम बायोकेमिकल एंड न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इंडिकेट दैट देयर इज अ मॉड्यूलेशन, है ना. सो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेरल न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, देखो तीन न्यूरोट्रांसमीटर याद रखो, नॉरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड गाबा, तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट है एंजाइटी के अंदर, ये कम हो जाते हैं ना गाबा वगैरह. सो नॉर एड्रेनर्जिक मॉडल सजेस्ट दैट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ एन एंजियस पेशेंट इज हाइपर सेंसिटिव एंड ओवर रिएक्ट्स टू द वेरियस स्टिमुलस. 5ST मॉडल, बिफोर दिस we shall continue with it. GABA model, majority inhibitor in the CNS. So those are the neurotransmitters which are involved. Symptoms already we discussed. These are the different types of the anxiety disorders. Hai na? Symptoms discussed kiye the humne. Abhi ye different types of the disorders. Generalized anxiety disorders, hai na? GAD, panic disorder, phobias, post-traumatic stress disorder, obsessive compulsive disorder. What is obsessive compulsive disorder? Compulsive ritualistic behavior driven by the irrational anxiety, fear of contamination, etc. चल रहा है ना अभी corona. Generalized anxiety disorder and ongoing state of excessive anxiety lacking any clear reason or focus. Panic, sudden attack of or overwhelming fear.
will show you the diagrams. See, this is the phobic disorder. A specific phobia is a kind of anxiety disorder that amounts to be unreasonable or irrational fear related to the exposure to the specific object. You know, phobia. Social phobia. Social phobia is a fear of social situations where you may be embraced or judged. You know, देखो performance करने जा रहे हैं जब. Common physical symptoms including blushing, diarrhea, sweating and tachycardia. ये symptoms पता है आपको. Agoraphobia is a fear of places or situations that might cause you to panic and make you feel trapped, helpless. So those are all are the different types of the anxiety. So these are the anxiolytic drugs, you know, anti-anxiety drugs which are used in treatment of anxiety. Benzodiazepines, 5-hydroxytryptamine, A agonist, 5-hydroxytryptamine, reuptake inhibitors, you know, serotonin kehte hai isko. Then antidepressants, beta adrenergic blockers, MAO inhibitors. Those are the drugs which are used in treatment of anxiety disorders. So what is the mechanism of action of these benzodiazepines? So benzodiazepines act by binding to the benzodiazepine receptors, enhance GABA action on brain, chloride channels opening, chloride influx to the cell causes the hyperpolarization. See here, this is the GABA receptors. Those are the benzodiazepine binding site. This flumazine and zolpidem binding sites. Benzodiazepine bind here, opens the channel for chloride. Chloride come in. This incoming or incoming rush of chloride leads to the hyperpolarization, depression, you know, calm down karenga. Patient goes CNS go. Then another important drug, 5-HTA receptor agonist. Buspirone acts as agonist at 5-hydroxytryptamine receptors, rapidly absorbed orally, slow onset of action. This is the mechanism of action of this buspirone. See here, this is the 5-hydroxytryptamine receptor. It is a type of G protein coupled receptors. Now this buspirone act, bind to it, it causes the as partial hai, to direct kya karenge, cyclic AMP, ATP open the potassium channel. You know, due to the opening of potassium channel, what will happen? Potassium will go outside. It again it causes the hyperpolarization. You know, depression. फिर से क्या करेगा? Calming effect produce करेगा. Then other drugs, beta blockers. Example is propranolol, atenolol act by blocking the peripheral sympathetic system, reduce somatic symptoms of anxiety, decrease the BP and slow heart rate using social phobia. Then tricyclic antidepressant, doxepin is important drug, imipramine also act by reducing the uptake of 5-hydroxytryptamine. यानी हमको ब्रेन के अंदर 5-HT का अमाउंट बढ़ाना है, गाबा का अमाउंट बढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी ड्रग ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, 5-HT को और गाबा के अमाउंट को बढ़ाएंगे ब्रेन के अंदर. यूज फॉर एंजाइटी स्पेशली एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन, इफेक्टिव फॉर पैनिक अटैक आल्सो. उसके कुछ रिएक्शन है, ड्राई माउथ, पोस्टरल हाइपोटेंशन, वेट गेन एटसेट्रा. सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs. ड्रग इज द फ्लुओक्सेटिन, एक्ट बाय ब्लॉकिंग द अपटेक ऑफ 5-HT गिवन ओरली. दोज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस SSRIs. 5-HT को ब्लॉक करेंगे, इसका रिअपटेक नाम खुद बता रहा है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर. देन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ MAO एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, है ना. यूज फॉर पैनिक अटैक्स ऑफ एंड फोबिया. रिक्वायर डायट्री रिस्ट्रिक्शन, जैसे कहा था टायरामिन कंटेनिंग फूड्स वगैरह जो इसका रिएक्शन होता है, पूछता है अक्सर एग्जाम में, MAO इनहिबिटर्स एंड फूड रिएक्शन. दोज आर द डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स, वी डोंट नीड. द सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, दोज आर द एग्जांपल्स, फ्लुओक्सेटिन, सिटापोराम एटसेट्रा, इंपॉर्टेंट ड्रग्स. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ दिस ड्रग्स कॉजेस द इनहिबिशन ऑफ रिअपटेक. जो रिअपटेक हो रहा है, ब्लॉकिंग रिअब्सॉर्प्शन ऑफ सीरोटोनिन, यहां पर सीरोटोनिन का रिअब्सॉर्प्शन रोक देगा पोस्टसिनेप्टिक नर्व्स में. सो this mechanism of action already we discussed, leading to increased concentration of neurotransmitter in synaptic cleft and ultimately the greater postsynaptic neuronal activity. Those are the side effects of selective serotonin reuptake inhibitors. So in treatment of anxiety, both interventions pharmacological and non-pharmacological. So jis tarah se pharmacological treatment hum discuss kiye, non-pharmacological treatment and shock therapy is very important for the treatment of anxiety disorders. So pharmacological ke liye pata hai aapko, GABA, serotonin, norepinephrine. Uske liye dekho SNRIs, selective norepinephrine reuptake inhibitors, SRIs and benzodiazepines. Ye teenon ke upar add karte hain. So jitne bhi humne pharmacological treatment discuss kiye, wo sare drugs kya karte hain, jitne bhi jo circuits discuss kiye the, to wahan ke neurons ke upar add karenge aur sare jo hai to symptoms ko प्रिवेंट करेंगे. सो साइकोथेरेपी, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी. सो साइकोथेरेपी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो दज आर द रिसेंट एडवांसेस, एनएमडी एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट,
D-cycloserine and memantine.